नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। बिहार के बांका जिले में शुक्रवार यानी कि 13 अप्रैल 2024 को एक बम फटा था। इस विस्फोट में घर के पास खेल रहे 4 बच्चे घायल हो गए थे। इलाज के दौरान 2 बच्चों की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल बच्चों का भागलपुर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। आखिर बम कैसे फटा, क्या थी ये कोई सोची समझी साजिश या महज एक गलती, बताएंगे आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में। दरअसल बिहार के बांका जिले में शुक्रवार यानी कि 13 अप्रैल 2024 को एक बम फटा था। वहीं पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू की तो 5 आरोपियों के नाम सामने आए। इनमें से अब खबर है कि 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक का नाम मोहम्मद इस्माइल है और दूसरे का नूर मोहम्मद है। वहीं बाकी फरार आरोपितों की तलाश में दबिश दी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना बांका के धोरिया थाना क्षेत्र की है। यहां के गांव अहीरों में मकसूद मोहल्ला है। इसी मोहल्ले में इस्माइल अंसारी का मकान है। दरअसल शुक्रवार को इस्माइल के घर के पास 4 बच्चे खेल रहे थे तभी अचानक एक विस्फोट हुआ जिसकी चपेट में 4 बच्चे आ गए। विस्फोट में आसपास भगदड़ मच गई। आनन फानन में 4 घायलों को धोरिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं बच्चों की हालत गंभीर होने पर इन सभी को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में रेफर कर दिया गया। मायागंज अस्पताल में 5 वर्षीय सनीउल्ला और 8 वर्षीय के कुर्बान की मौत हो गई। बता दें कि विस्फोट में कुर्बान का पैर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि 2 अन्य बच्चों का इलाज अभी चल रहा है। वहीं 5 संदिग्धों के खिलाफ हुई FIR में से 2 गिरफ्तार हो गए हैं और 3 को ढूंढा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये आरोपी केस दर्ज होते ही फरार हो गए थे। फिलहाल बांका की SDPO अर्चना कुमारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए आरोपितों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। शुरुआती जांच में पुलिस ने आशंका जताई है कि आरोपितों द्वारा घर में बम बनाया जा रहा था। घटना स्थल पर बम बनाने के सामान भी बरामद हुए हैं। एक स्थानीय महिला ने इस घटना को दुश्मनी में चलाया गया बम बताया है। वहीं एक अन्य घायल के परिजन ने बताया कि बम कौन फेंक कर चला गया इसका कोई पता नहीं है। फिलहाल पुलिस विस्फोट के असल कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या ये कोई सोची समझी साजिश है या फिर महज एक गलती, अब ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।